नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल लेक्सी टेक पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आइकन डिजाइनिंग के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग आइकन डिजाइन करके फाइवर में उसको कैसे सेल कर पाएंगे। दोस्तों फाइवर का नाम सुनते ही आप लोग मायूस मत हो जाएगा, क्योंकि मुझको कुछ लोगों ने कॉल किया था, बोल रहा है कि मतलब फाइवर में काम नहीं मिलता है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है, फाइवर में काम मिलता है, बस आपको तरीका आना चाहिए। और वो क्या तरीका है जिससे आप फाइवर में काम कर पाए, तो वो मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं आइकन कैसे बनाते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है, एकदम फ्री है, टोटली फ्री है, और कोई छोटा बच्चा भी इसको कर लेगा। एकदम आसान तरीका है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोग बस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को दोस्तों स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि कोई भी पार्ट अगर बीच में छूट गया तो आप लोग को फाइबर में काम मिलना मुश्किल होगा। दूसरा क्या होगा, आप लोग आइकन डिजाइनिंग करने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो वीडियो को एंड शुरू से एंड तक पूरा देखिए। तो पहले हम लोग फाइबर में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फाइबर में अभी हम यहाँ पे आएंगे ग्राफिक डिजाइनिंग। यहाँ पे देखिए आइकन डिजाइनिंग ये नया आया है, ये न्यू लिखा हुआ है। देखिए तो क्योंकि ये नया है तो इसमें काम ज्यादा है अभी, तो देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे देखिए अभी ओनली 277 सर्विस अवेलेबल है, इतना ही खाली यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, ताकि हम यहाँ पे अच्छा खासा लोगों ने आइकन बनाकर यहाँ पे हम लोग सेल करवाए। और कैसे सेल करेंगे, कैसे काम करना है, वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आप आइकन डिजाइनिंग करने के लिए आप लोगों को ये साइट है आपका canva.com। आइकन डिजाइनिंग दोस्तों आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या अपने मोबाइल में भी कर पाएंगे। मोबाइल के लिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये एक ऐप आता है, ये देखिए कैनवा बोल के, यहाँ पे मैंने साइट में खोल के रखा हुआ है। ये है आपका मोबाइल में, ये आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके आप कोई भी अपना जीमेल अकाउंट से इसमें साइन अप कर लीजिएगा। तो मैं दोनों ही प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप में इसको आइकन कैसे बनाते हैं, और दूसरा मैं दिखाऊंगा आपको मोबाइल में कैसे बनाते हैं। दोनों तरीका लगभग एक ही है, खाली एक ही डिफरेंस रहता है। लैपटॉप में हम लोग माउस का यूज़ करते हैं और मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, अपनी उंगली का यूज करके उसको बनाते हैं। तो चलिए पहले हम लोग लैपटॉप में देख लेते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों पहले तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आइकॉन बनाने के लिए उसका साइज क्या होगा। ये एकदम बेसिक चीज है कि आइकॉन जो बनाएंगे आप उसका साइज कितना होना चाहिए, क्योंकि हर आइकॉन का एक स्टैंडर्ड साइज रहता है, उसी साइज के हिसाब से आपको बनाना है आइकॉन। उसके ऊपर या नीचे बनाएंगे साइज में तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्योंकि कस्टमर आपको कोई ऑर्डर आपको दे रहा है तो जानते वो सोचेगा कि आप प्रोफेशनल है, आपको आता है। अगर आपने कोई उल्टा सीधा साइज बना के दे दिया और वहाँ पे जब वो आइकन अपलोड कर रहा है वो नहीं ले रहा है, क्योंकि साइज मिसमैच हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वो आदमी आपके पास नहीं आएगा। तो इसको पूरा ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा, और हो सके तो काइंडली आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और एक आसान चीज़ है, आप गूगल में जाके यहाँ पे लिख लीजिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज फॉर डिजाइनिंग आइकॉन फॉर एंड्रॉयड ऐप। तो यहाँ पे देखिए 90 जो जनरली होता है आपका 96x96 72, वो कस्टमर आपको बोल देगा मैं उसको ऐसे साइज का चाहिए, इतना साइज का चाहिए। या आप उनको रिक्वायरमेंट आप पूछ भी सकते हैं, फाइबर में कैसे पूछना है, क्या है, वो सब फाइबर में ऑप्शन है। और फाइबर में गिग कैसे बनाते हैं उसके लिए मेरे वीडियो पहले ही बना के रखा हुआ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। और फाइबर में गिग कैसे बनाते हैं उसके लिए आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, अच्छे अच्छे वीडियोज है, वहाँ पे भी देख के आप सीख सकते हैं। तो आज अभी तो हम लोग पहले सीख लेते हैं आइकन कैसे बनाते हैं। तो हम लोग कैनवा में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। जब हम कैनवा में आएंगे तो पहले ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, ये मेरे डेस्कटॉप में है, ये लैपटॉप में है सॉरी। तो यहाँ पे देखिए कस्टम बोल के है, ये कस्टम साइज, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो देखा था यहाँ पे 96x96, हम इसको ही पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 96, यहाँ पे भी दे देते हैं 96। तो क्रिएट न्यू डिजाइन, दोस्तों ये देखिए ये हमारा ब्लैंक डिजाइन आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे बनाया हुआ ये डिजाइन आ गए हैं,
आप यहाँ से भी डाउनलोड करके इसको सेल कर सकते हैं, मगर इसको मैं क्यों नहीं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आप जो बनाएंगे वो थोड़ा यूनिक होना चाहिए। ये तो बना बनाया ही है, ये भी बहुत सारे अच्छे ही है, मगर आप जो अपने हाथ हाथ से मतलब अपने दिमाग लगा के उसको क्रिएटिव माइंड से बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। थोड़ा मेहनत लगेगा, मेहनत करने से ही तो फल मिलेगा ना। तो खैर आप रेडीमेड बना के देने से ज़्यादा अच्छा आप थोड़ा अपने दिमाग लगा के थोड़ा क्रिएटिव माइंड लगा के उसको बनाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये ब्लैंक हो गया यहाँ पे, ये ब्लैंक में इसमें कुछ भी नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए एक बैकग्राउंड हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में इसको हम लोग सेंड भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ये बैकग्राउंड ले लिया मैंने। मान लीजिए ये बैकग्राउंड आपको ठीक लग रहा है, मगर इसके कलर थोड़ा आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइएगा आप, इसमें क्लिक कीजिएगा, बाद में यहाँ पे आइएगा, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये वाला जो है ये, इसको आप जितना ऊपर नीचे या ऐसे ऐसे करेंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा इसको सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप हो गया, मान लीजिए जो कस्टमर है, फॉर एग्जांपल हम पकड़ के ले चलते हैं, वो एक गेमिंग ऐप बना रहा है, उसके लिए उसको आइकन चाहिए। तो गेमिंग ऐप ऐप के लिए गेमिंग वाला थोड़ा चकास टाइप का आइकन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिमेंट्स में ध्यान से देखिए, एलिमेंट्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके हम लोग गेम लिखेंगे, GAME गेम, एंटर दबाएंगे, तो ये देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए हैं गेमिंग का। आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ से ले लीजिएगा, ये मूविंग वाला मत लीजिएगा क्योंकि ये सब जनरली एक्सेप्ट नहीं करता है। नीचे आते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं, मगर ये मूविंग है, एनिमेटेड है। ये देखिए, ये मुझको अच्छा लगा है, ये भी ले सकते हैं आप। थोड़ा नीचे और आते हैं, जितने आप नीचे जाएंगे बहुत सारे आइकन्स आप आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आपका जो भी मर्जी हो आप उसको चूज कर सकते हैं। ऊपर ही चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। और दोस्तों इसमें एक ध्यान देने वाला चीज़ क्या है, जहाँ पे भी देखिए क्राउन, ये क्राउन वाला सिंबल जहाँ पे भी आता है वो पेड है, आपको पेड नहीं लेना है, आपको फ्री में ही काम करना है, क्योंकि टोटली हम ये जो काम करें फ्री में ही करेंगे। मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये आ गया यहाँ पे, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको बीच में लेके आते हैं। अभी बैकग्राउंड जो कलर है ये हम उसको इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। बैकग्राउंड में आएंगे, इसको ब्लैक करके देखते हैं, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी खास नहीं है। फिर भी हम लोग इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से इसको थोड़ा चेंज करेंगे, ये मुझको अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, उतना भी ठीक नहीं फिर भी ठीक ही है। चलिए इसको डाल के देखते हैं, ये देखिए ये पेज है, क्योंकि लिखा हुआ है रिमूव वाटरमार्क, ये पेज वाला मत लीजिएगा, सेम है, हमको काम करना है। थोड़ा इधर आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं मैं, इसी को ले लेता हूं एक बार, प्लस में क्लिक करेंगे, फिर से इसको थोड़ा चेंज करेंगे। हाँ ये वाला होगा, मोटा मोटी ठीक है। मैं फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग कोशिश कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको एट्रैक्टिव लगे। फिर से एलिमेंट्स में आएंगे, मान लीजिए कस्टमर बोला नहीं मुझको इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करना है, ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आके उसको फिर से एडिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कस्टमर ने कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स दिया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसको यहाँ पे डाल दिया, जैसे इसको साइड में लेके आ गए, इसका साइज हम लोग छोटा कर देंगे, इसको आप लोग जैसे भी इच्छा हो आप उसको घुमा सकते हैं, हम लोग ऐसे इसको घुमा देंगे। बस इतना ही, आपका ये जो आइकन है ये आइकन रेडी हो गया है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, डाउनलोड में क्लिक करना है, डाउनलोड में क्लिक करके इसको कस्टमर को प्रोवाइड करना है। इसको कैसे कैसे आपको रिक्वेस्ट आएगा, आपको कैसे क्या करना है, वो सब आप उसका वीडियो यूट्यूब में देख सकते हैं, मतलब फाइवर में कैसे काम करना है।
तो ये तो हो गया आपका आइकन जो हम लोग डेस्कटॉप में बनाएंगे। आप यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डाउनलोडिंग हो रहा है। इसको क्लोज कर दीजिए, इसको उसको पूछ रहा है कहाँ पे मैं सेव करूँगा, मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लूँगा, सेव कर दिया, बस ये हो गया, ये मेरा डाउनलोड हो गया। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, मोबाइल में कैसे इसको बनाते हैं, ऐप आइकन बनाते हैं, उसको हम मोबाइल में सीखेंगे। तो जैसे मैंने बोला था दोस्तों, आप लोग ऐप का ज़रूरत होगा, जैसे मैंने कैनवा यहाँ पे किया है, कैनवा का ऐप आता है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप कोई भी आप जीमेल अकाउंट से उसमें साइनअप कर लीजिएगा। तो मैं कैनवा को खोलता हूँ अभी। कैनवा को खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए ये यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो हम लोग का साइज था कितना था, 96x96 क्योंकि हम पिक्सल में है, ये देखिए पिक्सल 96 और ये हो गया 96। तो यहाँ पे क्रिएट डिजाइन में हम लोग क्लिक करेंगे, इसमें मैंने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों मेरा ये जो डिजाइन है वो रेडी हो गया है। तो अभी हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे, जैसे लैपटॉप में गया था मैं, थोड़ा इसमें आप लोगों को दिखाया, तो वैसे ही आपको यहाँ पे एलिमेंट्स में क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है गेम्स, क्या हुआ ये मेरा गेम्स, तो फिर से ऐसा आइकन आ गया। मान लीजिए ये आइकन हम लोग लेंगे, ये आइकन हम लोगों ने ले लिया। तो अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कहा गया, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड में क्लिक करके दोस्तों इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे हम ले लेंगे, मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड को थोड़ा जैसे हम लोगों ने लैपटॉप पे किया था वैसे ही इसको यहाँ से ऐसे ऐसे चेंज करेंगे। ये हो गया, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर लेके आएंगे, इसको बड़ा करना है तो ऐसे बड़ा कीजिए, या छोटा करना है छोटा कीजिए, हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका, मान लीजिए कस्टमर ने बोला आपको कि मुझको इसमें थोड़ा और एडजस्टमेंट चाहिए, वैसे ही उस हिसाब से आप लोग इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट चाहिए मोबाइल में हो या लैपटॉप या डेस्कटॉप में, जहाँ पे भी हो आप मर्जी कर सकते हैं। इन द एक मतलब एकदम जब हो जाए आपका पूरा, इसको मैं थोड़ा बीच में यहाँ पे थोड़ा लेके आता हूँ, इसको क्लिक कीजिए ऐसे थोड़ा, हाँ मिडिल में आ गया है। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, मगर जब आपका लोगो बन के आएगा तो डाउनलोड होगा वो उसी हिसाब से जो हम लोगों ने पिक्सल डाला था 96 उसी हिसाब से होगा। यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए डाउनलोड, इसमें क्लिक करेंगे, सही मोबाइल में जैसा है वैसा ही है, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये डाउनलोड हो गया, अभी सेव को क्लिक करना है, ये सेव हो जाएगा। आपको अलाउ में, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ, अलाउ करना है इसको। तो दोस्तों एकदम सिंपल प्रोसीजर है, आप ऐसे ही आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ये डाउनलोड में टाइम लगेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम बात करेंगे आप लोगों को फाइबर में काम कैसे पकड़ना है। दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं, फाइबर में अपना गिग डाल देते हैं, यूट्यूब में देखते हैं फाइबर में गिग कैसे बनाता है और अपना फाइबर में गिग डाल के वो बैठे हुए रहते हैं। दोस्तों इसमें एक समझने का बात क्या है, दोस्तों देखिए आपने फाइबर में तो गिग डाल दिया, गिग डालने के बाद उस गिग को देखेगा कौन। यहाँ पे जैसे देखिए 277 ऑलरेडी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका भी सर्विस यहाँ पे है, मगर किसी को शायद नज़र में नहीं आएगा। तो नज़र में आने के लिए आपको क्या करना है, प्रमोट करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप बाजार में अंडा 2 रुपये का बिक रहा है और आप अंडा कहीं से लेके आए, वो आप 1 रुपये में बेच रहे हैं, मगर आप क्या सोच रहे हैं, आपका अंडा कोई तो खरीद नहीं रहा है। क्यों खरीद नहीं रहा है, क्योंकि आपका अंडा घर में पड़ा हुआ है और उनका अंडा बाजार में है, लोग देख रहे हैं, 2 रुपये में खरीद रहे हैं, मगर आप 1 रुपये में बेचना चाहते हैं क्योंकि घर में पड़ा हुआ है, वो कोई खरीद नहीं आएगा, किसी को मालूम ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपका जो गिग है उसको प्रमोट करना है।
प्रमोट कर कैसे करना है उसका मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो प्रमोट करने के लिए दोस्तों मैंने पहले इसका वीडियो बना के रखा हुआ है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अगर उसमें आपको समझ में नहीं आए तो आप यूट्यूब में देख लीजिएगा गिग को कैसे प्रमोट करते हैं, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये मेरा एक गिग है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे शेयर में क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये कॉपी लिंक, यहाँ पे डायरेक्टली आप फेसबुक में पोस्ट कर सकते हैं। मगर फेसबुक में आप लोग डायरेक्टली पोस्ट करके क्यों फ़ायदा नहीं है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। आपका फेसबुक में जो जितना भी फ्रेंड्स है उन लोगों को आपका गिग दिखाई देगा कि आप टेम्पलेट बना रहे हैं, मगर आप लोग आपके दोस्त को या मामा को या चाचा को टेम्पलेट की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसमें क्या वो देख के क्या करेगा, वो बस दिखेगा और छोड़ देगा। तो आपको क्या करना है, इस लिंक को कॉपी करना है, कॉपी करके उसको आपको फेसबुक में आना है। फेसबुक में आके यहाँ पे ग्रुप्स में क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसे करके आप लोग सर्च कर लीजिएगा, या आप लोग क्या कर सकते हैं आइकॉन डिजाइनिंग वैसे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। इसमें जो बड़ा बड़ा ग्रुप्स है इन ग्रुप्स में आपको ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करके दोस्तों ये जो आपका गिग का जो आपने कॉपी किया था उसको, मतलब जो लिंक को आपने कॉपी करके रखा था उसको एक वर्ड में आपको ऐसे आपको उसको पेस्ट कर लेना है। पहले इसको पेस्ट कर लिया, ये हो गया हमको हम लोग फाइवर का गिग। और यहाँ पे आपको लिखना है हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख दीजिए आई एम ए प्रोफेशनल आइकन डिजाइनर, इफ यू वांट टू मेक, जैसे भी आपको मर्जी हो वैसे आप लिख के ये जो आपका लिंक है उसको आपको यहाँ पे पोस्ट करना है। पहले तो आपको क्या करना है, फाइबर फेसबुक में आना है, फेसबुक में आके आपको ऐसे बड़े बड़े इसमें देखिए 349K इतना सारा इसमें मेंबर्स है, ये बड़े बड़े ग्रुप्स में आपको पहले ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे, वहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए ज्वाइन हो गया मेरा, यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद इसको आपको खोलना है, खोल के आपको जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे मैं लिख के ज़्यादा टाइम हेलो फ्रेंड्स आई एम ए प्रोफेशनल आइकन डिजाइनर वैसे कुछ लिख के आप अपना जो ये फाइबर का जो लिंक है उसको वहाँ पे पेस्ट करना है। जब जैसे ही इसको पेस्ट करेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको, जो लोग जानते हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग नहीं जानते वो ध्यान से देखिए। ये खुल गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेलो आई एम ए प्रोफेशनल आइकन सॉरी, ये थोड़ा कुछ गलती हो गया। मैं ये सब लिख के आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, ये सब आप लोग लिख पाएंगे, मैं फिर भी एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा हेलो फ्रेंड्स आई एम ए प्रोफेशनल गिग डिजाइनर, गिग नहीं सॉरी आइकन डिजाइनर, इफ़ यू वांट टू न्यू क्रिएटिव एंड एट्रैक्टिव आइकन फॉर योर एंड्रॉयड ऐप यू कैन कॉन्टेक्ट मी हेयर, हेयर बोल के यहाँ पे अपना यू कैन क्लिक बिलो, यहाँ पे इसको जब भी आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे आपका जो गिग है यहाँ पे दिखाई देगा। ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, ये आ गया, ये मेरा थोड़ा अलग गिग है, ये वाला मेरा आ गया। जब भी कस्टमर यहाँ पे क्लिक करेगा वो आप रीडायरेक्ट होकर आपका फाइबर में वो चला जाएगा, और वहाँ पे उसको अगर रिक्वायरमेंट है वो आपको रिक्वायरमेंट भेजेगा, कैसे वो सब करना है उसका आप वीडियो यूट्यूब में देख लीजिएगा। तो इसमें और ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, आप लोग जितना भी हो सके अपना गिग को व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम में, फाइबर में, लिंक्डइन में, रेडिट में, जितना भी आपका सोशल मीडिया से वहाँ पे प्रमोट कीजिए, तभी आपको वहाँ पे ऑर्डर मिलना शुरू होगा। आप अगर गिग फाइबर में देके बैठे रहेंगे आपको कभी भी ऑर्डर नहीं मिलेगा, अगर बाई चांस कोई भी ऑर्डर आपको मिल जाए नेक्स्ट आपको ऑर्डर मिलना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी इसीलिए आपको डेली बेसिस पे एक बार सुबह दोपहर और शाम को अपना गिग को प्रमोट करना है।
तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय।